तो गाइस आ चुका है यार एक और न्यू पबजी मोबाइल लाइट के ग्लिच एंड ट्रिक की वीडियो के साथ में वापस। तो गाइस आज की इस वीडियो में तीन ऐसे न्यू ग्लिच एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जो भी भाई यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बता रहा, तो भाई वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट तो करके जाना। चलते हैं ग्लिच नंबर वन में जो कि भाई अपना जाने वाला है यहाँ पे स्कूल इस स्टेडियम पे। तो भाई कई बार क्या होता है यहाँ पे एंड सर्कल बनने को आता है भाई, कई बार एंड सर्कल बनता है। और गाइस ये बहुत बड़ा होल ड्रॉप भी है। और गाइस क्या है कई बार क्या होता है आपको एडवांटेज नहीं मिलता भाई बंदों को मारने का, और बंदे भाई कैंप करके बैठे होते हैं। तो भाई उन्हें जो है मारने के लिए सरप्राइज अटैक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नेट करना है। नेट करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद स्केल यूज करना है। जैसे भाई नेट फटेगा और स्केल यूज होगी आप आ जाओगे स्विमिंग पूल की छत पे। और गाइस इसकी छत पे आने के बाद आप देख सकते हो गाइस आपको कितना ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है भाई यहाँ से। यहाँ से जो है भाई आप सारे बंदों को भाई बहुत इजीली मार सकते हो, और गाइस यहाँ सारे पीछों के बंदों को भी मार सकते हो। और गाइस कोई बंदा स्पोर्ट तक नहीं कर पाएगा कि भाई स्विमिंग पूल से छत पे से भी कोई बंदा मार सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है बंदे बहुत कमी से आते हैं भाई, कैंप वैम्प तो बहुत कम करते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये एक ट्रिक है भाई, इसका यूज कर लेना। और गाइस कमेंट में बताना यार कैसी लगी। और गाइस यहाँ से आप उतरना चाहते हो तो भाई यहाँ पे आना, यहाँ से जंप करना और आप आ जाओगे स्टेडियम की छत पे। और गाइस यहाँ से आप बहुत इजीली निकल सकते हो। तो गाइस इस ट्रिक का जो है यूज जरूर से करना गेम में जब भी यार यहाँ पे लार्ज सर्कल बने। तो गाइस अपना जो है नंबर टू के लिए जाता है वो जाता है भाई ऐसे वाले रेड हाउस में, जहाँ भी भाई ऐसे वाले रेड हाउस हों तो भाई वहीं पे अपना ये ग्लिच वर्क करेगा, मतलब ट्रिक वर्क करेगा। तो गाइस कई बार क्या होता है यार आप कैम्प करके बैठे हुए होते हैं, जिनों के पास यार कैम्प करके बैठे हुए होते हैं आप यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे जब कैम्प करके बैठे होते हैं यार सामने वाले बंदे के पास रहती है RPG या एस्ट्रोल के, और गाइस वो आपको इजी मार देता है। तो गाइस उन्हें जो है सरप्राइज अटैक करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे आना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल से वैसे ही वो करके आप बैठना है। तो आपको कुछ ऐसे चलते रहना है इस दीवार पे, और गाइस ऐसे करके आ जाओगे आप यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो कोई बंदा आपको स्पॉट तक का नहीं कर पाएगा, और गाइस कोई बंदा भाई आपको ग्रेनेड फेंक कर भी नहीं मार पाएगा अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हो तो। कभी भी भाई आपको ऐसा लगे आपके पास RPG वाला बंदा रश कर रहा है तो आप इस ट्रिक का यार यूज कर लेना और कमेंट में बताना कैसी लगी। तो गाइस चलते हैं अपने ग्लिच नंबर तीन में, और जो भाई लास्ट भी होने वाला है वो जाता है भाई बिस्ता में। बिस्ता में आपने ये लोकेशन तो देखी होगी भाई, इस लोकेशन पर यार एक ग्लिच वर्क करता है यार, और गाइस वो यहाँ पर करता है इस लोकेशन पर जहाँ पर मैं हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर देख लेना है भाई, ये जो आपको छोटा सा मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बैठ जाना है, और गाइस यहाँ पर आना है आगे की साइड। आगे की साइड जाने के लिए आपको आगे को करना है, और गाइस देख सकते हो आप बहुत इजीली यार इसके अंदर आ जाओगे। और गाइस आप यहाँ से जितना चाहे उतनी मर्जी होल्ड कर सकते हो, और गाइस यहाँ से आप बंदे भी मार सकते हो यार बाहर के। तो गाइस यहाँ पे मैंने कर इसके यूज, और गाइस देख सकते हो हम बाहर के बंदों को भी मार सकते हैं। और गाइस यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं बताऊँगा, पहले तो यार आप ये देख लो अगर आपका एम इधर नहीं बनता तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से इसके यूज करना है बैठ के। जब आप दोबारा बैठ के इसके यूज करोगे तो गाइस आपका एम हर एक तरफ को जाएगा, ये देख सकते हो यार। अब आपका आपकी कहीं के भी बंदों को भी मार सकते हो। और गाइस यहाँ से बाहर निकलने के लिए बैठ के या लिट के आप इजीली बाहर निकल जाओगे। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और न्यू और यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पे कर देना कि हाँ ऐसी वीडियो मिलती रहती है।